मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5 टॉपिक नाउंस रिवीजन. डियर स्टूडेंट्स आई हैव एक्सप्लेन नाउंस रिवीजन. In this video, we will solve the exercise point A. Fill in the blanks in the following sentences with the type of noun mentioned in brackets. Sentence दिए गए हैं उनके सामने brackets में nouns दिए गए हैं. कौन से नाउन में हम इस सेंटेंस को जो सेंटेंस में गैप है ब्लैंक प्लेस है विच नाउन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक प्लेस. हमें उस खाली प्लेस में कौन से नाउन को फिल करना है ये ब्रैकेट में दिया गया है. सो डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. फर्स्ट सेंटेंस इज सचिन तेंदुलकर is India's most famous. अब सचिन तेंदुलकर इंडिया के मोस्ट फेमस क्या थे? डांसर थे, म्यूजिशियन थे या स्पोर्ट्समैन थे? क्यों? क्योंकि ये है कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन में हमें फिल करना है तो क्या थे वो? स्पोर्ट्समैन. नाउ वी विल फिल हियर स्पोर्ट्समैन. This is common noun, a sportsman. Second sentence, this is an expensive metal used in making jewelry. Is an expensive metal. Expensive metal, महंगी जो metal है धातु है वो उससे ज्वेलरी यानी इज एन एक्सपेंसिव मेटल यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. एक ऐसी धातु का नाम जिससे ज्वेलरी बनाई जाती है. मटेरियल नाउन फिल करना है तो ज्वेलरी भी उस मेटल से बनाई जाती है. तो दिस इज गोल्ड. हम यहां पर फिल करेंगे गोल्ड. गोल्ड गोल्ड इज मटेरियल नाउन. थर्ड सेंटेंस द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज शोन ग्रेट डैश इन फाइटिंग टेररिस्ट. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने टेररिस्ट से लड़ाई करने में फाइटिंग करने में महान दिखाया है. क्या दिखाया है? We will fill here abstract noun. Then we will fill here courage. Courage. Courage is sahas. This is abstract noun. क्योंकि साहस को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं कि हम उसे देख छू सकते हैं. Now sentence number 4. Multi speciality that use the latest test for diagnosis and treatment of diseases. We have to fill here common plural हमें यहां पर fill करना है और uncountable noun. Multi speciality labs fill करेंगे यहां पर हम. Labs Use the latest technology. 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 Sentence number 5. The gateway of India is located in. G
गेटवे ऑफ इंडिया बसा हुआ है डैश प्रॉपर नाउन हमें यहां पर फिल करना है, हमें यहां पर प्रॉपर नाउन मींस यहां पर हमें कोई पर्टिकुलर नेम फिल करना है, देन वी विल फिल हियर कहां पर सिचुएटेड है ये गेटवे ऑफ इंडिया, इन मुंबई, मुंबई, लाइक दिस वी विल फिल हियर ऑल द ब्लैंक प्लेस स्टूडेंट्स. सेंटेंस नंबर सिक्स, वी टुक अ डैश ऑफ फ्लावर्स फॉर आवर सिक फ्रेंड. हमने एक फ्लावर्स का अपने सिक फ्रेंड के लिए लिया. क्या लिया? तो वी टुक अ बंच, वी विल फिल हियर बंच, बंच में फूलों का गुच्छा. नाउ सेंटेंस नंबर सेवन, द डैश इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. वी हैव टू फिल हियर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स एनी नेम. Then we will fill here Taj Mahal. Taj Mahal. Like this sentence number 8. The professor is a man of great. Professor जो है एक man of great, यानी एक great man है. किस तरह से है? Abstract noun हमें यहाँ पर fill करना है. Then we will fill here character. 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 Then we can say that the professor is a man of great character. Sentence number 9. The best quality dash is used for making these shoes. We have to fill here material noun. The best quality is used for making shoes. We will fill here leather. Leather. क्योंकि यहां पर shoes बनाने की बात हो रही है और shoes किससे बनाया जाता है? Leather से. Then we will fill here leather. Sentence number 10, all over cruise in the dash, we saw a dash of flying fish. We have to fill here proper noun and collective noun, because in this sentence there are two options, two dash. In first dash we have to fill proper noun, and in the second option, in the second dash we have to fill collective noun. Then we will fill here on our cruise in the Caribbean. Caribbean. And in the second soul. Soul we will fill here. Yes. Now we will solve the exercise point B. Use appropriate collective nouns to complete the following expressions. ये collective noun है, इनको हमें complete करना है. Number one, a dash of sticks. Or sticks. Sticks means a bundle of sticks. A bundle of sticks. Like this, a dash of bees. We will say
नंबर फाइव अ डैश ऑफ सोल्जर सेलर्स अ क्रीम क्रीम बोलते हैं उसको क्रीम क्रीम ऑफ सेलर्स जो नाविक होते हैं सेल करने वाले जहाज पर उसको बोलते हैं जो समुद्र में होते हैं क्रीम ऑफ सेलर्स नंबर सेवन में ऑफ प्लेयर्स अ टीम ऑफ प्लेयर्स टीम ऑफ प्लेयर्स नंबर नाइन अ डैश ऑफ फर्नीचर अ सूट ऑफ फर्नीचर अ सूट एस यू आई टी ई अ सूट ऑफ फर्नीचर नाउ इन सेकंड पॉइंट ए डैश ऑफ पीपल वी कैन सी दैट अ क्राउड A crowd or a group. Group भी कह सकते हैं हम mob भी कह सकते हैं mob. A mob, M-O-B. Mob. यहां पर इन तीनों में से कुछ भी फिलहाल कर सकते हैं हम crowd, group, mob. Number four, a dash of puppies. A liter, of puppies. Six, a dash of cattle, a herd of cattle. A herd of cattle. Eight, a dash of books, a library of books, a library. A library of books and number 10 and dash of fruit trees and orchard an orchard of fruits like this we will complete collective nouns Students, now we will solve the exercise point C from abstract nouns. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म्स ब्रैकेट में दी गई है एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन ब्लू नीचे दिए गए सेंटेंसेस में उन्हें फिल करिए फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म दी गई है फर्स्ट सेंटेंस योर गुड डैश योर गुड डैश हैज मेड मी वेरी प्राउड ब्रैकेट में बिहेव योर वी कैन से दैट योर गुड बिहेवियर योर गुड बिहेवियर मेड मी वेरी प्राउड आपका अच्छा व्यवहार मुझे बहुत ही गर्वित कर देता है सेकेंड सेंटेंस द डैश ऑफ दिस क्लिफ इज अबाउट 500 मीटर्स हाई ब्रैकेट में हाई है इसको हमें फिल करना है देन वी कैन से दैट हाई The height of this cliff
अबाउट 500 मीटर्स। इस क्लिफ की, इस चोटी की ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। नंबर थर्ड, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। इसे कंप्लीट करना है, ब्रैकेट में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, ईमानदारी। देन वी कैन से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सेंटेंस नंबर फोर, द इंटरनेट कैन एक्ट एज अ सोर्स फॉर एक्वायरिंग। इंटरनेट जो है वो एक सोर्स है पूछताछ करने के लिए, मींस नो, जानने के लिए। देन यू कैन क्लियर नॉलेज, ज्ञान के लिए, नो से बना नॉलेज। नॉलेज देन वी कैन से दैट द इंटरनेट कैन एक्ट एज अ सोर्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। इंटरनेट एक हमें नॉलेज एक्वायरिंग करने का स्रोत के रूप में हो सकता है। सेंटेंस नंबर फाइव, एवरीवन बर्स्ट इनटू डैश ऑन हियरिंग द जोक, ब्रैकेट में लाफ। लाफ मींस हंसी से है, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन we will change into laughter, laughter, everyone burst into laughter on hearing the joke. joke सुनकर सभी हंसने लगे। yes, सेंटेंस नंबर सिक्स, द एलिफेंट हैज ग्रेट डैश स्ट्रेंथ, मींस ताकत। यानी एलिफेंट जो है वो महान ताकत, यानी स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहां पर जो है दिस इज, यहां हमें फिल करना है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से हमें बनाना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मींस द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट बहुत ताकतवर होता है। नेक्स्ट सेवन, Without help, there is no dash, और ब्रैकेट पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैप्पी। Without help, there is no dash happy. Means without help, there is no happiness. Happiness. Without help. There is no happiness. बिना स्वास्थ्य के कोई खुशी नहीं मिलती है। नंबर एट सेंटेंस, नेल्सन मंडेला वॉज नोन फॉर हिज वाइस एंड फियरलेस। नेल्सन मंडेला अपनी बुद्धिमानी और निडरता के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लीडरशिप। देन वी कैन से दैट नेल्सन मंडेला वाज नोन फॉर हिज
वाइज एंड फियरलेस लीडरशिप नेल्सन मंडेला अपनी बुद्धिमानी और निडर लीडरशिप के लिए जाने जाते थे बिकॉज वास यहां पर यूज किया गया और पास्ट टेंस की बात है, पास्ट में है ये, तो नेल्सन मंडेला अपनी बुद्धिमानी और निडरता की लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। इन सेंटेंस नंबर 9, कैंसर इज एन डैश फॉर विच अ क्यूर इज येट टू बी फाउंड। देन वी विल फिल हियर, कैंसर इज एन इलनेस, कैंसर इज एन इलनेस, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही यानी घातक है और वो पाई जाती है। सेंटेंस नंबर 10, इट गिव्स मी ग्रेट गैस टू इंट्रोड्यूस आर न्यू मैनेजर, प्लीज मीन्स प्लीज से हम बनाएंगे प्लेजर। Then we will say, it gives me great pleasure, इससे मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, to introduce our new manager, अपने नए मैनेजर से इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत ही आनंद मिला, यानी मिलता। स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी विल फिल this exercise. Yes, dear students, in this exercise, in each group of words, circle the one that belongs to a different class. हमें उस ग्रुप को सर्किल करना है वर्ड्स के जो क्लास से अलग है, ग्रुप से अलग है। Give reason for your choice, और आपकी choice का, अपनी choice का reason भी उसमें बताना है। Then we will solve the students. Chair, boy, watch, joy, river. Chair, watch, joy, river. All these are things. But boy, chair, boy, watch, river. यहां पर ये सब देखे जा सकते हैं और जो जॉय है ये यहां पर डिफरेंट है। देखिए क्यों, क्योंकि वी कैन से दैट जॉय इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जॉय इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाइल द अदर words are common noun, while the other words are common noun. Second sentence, Ganga, China, country, red for Mahabharat. Country is a common noun while the others are proper noun. Country is a common noun. Country is a common noun. While the others are, proper noun. While the others are proper noun. Like this third sentence, music, bunch, army, crowd, flock. Music
इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन म्यूजिक 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 इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हाइल द अदर्स आर कलेक्टिव नाउन व्हाइल द अदर्स आर व्हाइल द अदर्स आर कलेक्टिव नाउन लाइक इन सेंटेंस नंबर फोर Health, disease, pain, doctor, sickness. Doctor is a common noun. Doctor is a common noun while the others are abstract noun. While the others are abstract noun. Sentence number 5 Herd cow pair fleet bundle cow देखिए herd भी इसमें group है a cattle of herd pair pair भी group है fleet भी group का नाम है bundle भी group का नाम है but यहाँ पर जो cow है cow is different here Cow is different here. Cow is common noun. Why the others are collective noun? Number 6 milk bread food apple honey apple is different here because apple is fruit's name apple is a countable noun Apple is countable noun here, while the others are uncountable. While the others are, while the others are uncountable noun. Like this seventh sentence, clay, gold, paper, book, wool. These words, book is different here, book, because book, all the other words except for book are
मटेरियल नाउन। बुक को छोड़कर जो सभी अदर वर्ड्स हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं, देन वी विल राइट बुक। Countable noun. Bread is an uncountable noun while the others are countable nouns. Dear students, like this we will solve the exercise point D. Dear students, quick review about this chapter. Nouns. Nouns are naming words for people, animals, places and objects. Common nouns is the name given to one class of person, things or animal. Like this, proper noun is the name of a particular person, place or animal. Collective noun is the name given to a collection, group or community of persons, animals or things. Material noun is the name given to substance that is used to make things. Abstract noun is the name given to some quality, feeling, state or idea. Concrete nouns are name of things which can be seen, touched or felt. Common, proper, collective and material nouns are all concrete nouns. Name of things which can be counted are countable nouns. Names of things which cannot be counted are called uncountable nouns. Like this, students, we have complete the chapter number 5, Nouns Revision. I hope that you have understood the chapter. Okay, students, all the best.